नार्य बदचलन पति महात्मा की ओर कि एक लड़की बड़े ही भले परिवार की थी, धनवान सेठ एक थे, उनके घर में इस लड़की का जन्म हुआ था। एक अमीर की लली बुलावसी कली सुना नर नारी और देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन युजियारी। धनवान की लड़की थी, देखने में तो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन सुंदर के सुंदर विचार नहीं थे। ए सुंदर बदन विशेषक कहत ब्रजेश, हाय सुंदर बदन विशेषक कहत ब्रजेश एक सुकुमारी, और जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी, जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी, एक लड़की जो देखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसके सुंदर विचार नहीं थे। दोस्तों जब वो लड़की धीरे धीरे सियानी हुई, बड़ी हुई, कुआरी थी, शादी नहीं हुई थी, अरे कुआरी घर बेटी फिरे, अरे मेरे भैया जाके ठाटन भरने जाए जी। अरे कुआरी लाड़ प्यार में वो पली, अरे मेरे भैया बन करे अधर्म के काम जी। अरे लाड़ प्यार में वो पली, अरे मेरे भैया बन करे अधर्म के काम जी। कहने का मतलब लड़की के विचार पहले से ही गलत थे। शादी नहीं हुई, उससे पहले ही लगाम इतनी कटी हुई थी, माता पिता कुछ कहते नहीं थे। और ऐसा ही नहीं, अब देश अनमैरिड जरूर थी लेकिन अरे शादी से पहले टिक गई, अरे अब कोई हुई बैठी थी कुरबान जी। अरे शादी से पहले टिक गई, अरे अब कोई हुई बैठी है कुरबान जी। शादी से पहले टिक गई, अरे मेरे भैया हुई बैठी थी कुरबान जी। अरे शादी से पहले दोस्तों इतनी लाड़ प्यार में पली हुई थी वो लड़की जो घर वाले कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो शादी से पहले ही चरित्रहीन हो गई और एक लड़का से उसका बड़ा प्रेम हो गया। अब एक से ही नहीं, वो जो थी इस बात में अपनी तारीफ समझती थी, इस बात में अपनी तारीफ समझती थी कि हम जितने से हित कर लेंगे उतना ही नाम कम है मेरा। खैर चलो ठीक है। अरे थी जो चंद्र बदन युजियारी, रोके नाय पिता महतारी, थी जो चंद्र बदन युजियारी, रोके नाय पिता महतारी, लाड़ प्यार में पली दुलारी, कर रही उल्टे काम नैहारी। अब तो दोस्तों हाथी जैसे दांत उसके बाहर निकल गए, अंदर नहीं हो पाए। कहने का मतलब विचार इतने बदल गए, माता पिता रोक नहीं रहे हैं और वो लड़की चरित्रहीन हो गई। ऐसा ही नहीं, अब देश और उल्टे काम करने में समझे है तारीफ हमारी।
हाय उल्टे काम कर बे में समझे है तारीफ हमारी और नाई गिनती प्रेम न की होए नाई गिनती प्रेम न की बरजे न पिता महतारी माता पिता रोक नहीं रहे ओहन भगवान की दया से मेरा मतलब है कि वो लड़की इतनी चरित्रहीन हो गई जो गिनती नहीं रही क्या कितने प्रेमी है महाराज लली जब पढ़ के भाई जवान और माता पिता ने आंगन में शादी को दीनो ध्यान सैया पूछे गो जाऊलिया तेरी कैसे बिगड़ी राजा पूछे गो जाऊलिया तेरी कैसे बिगड़ी बेड़े इधर तो शादी से पहले ही लड़की चरित्रहीन हो गई दोस्तों लेकिन माता पिता ने अपनी बेटी की ओर गौर नहीं की ध्यान नहीं दिया उसके बाद जब लड़की जवान हो गई तब शादी की तैयारियां हुई और शादी की तैयारियां हुई अच्छे घर में अब अच्छे परिवार की लड़की थी अच्छे ही घर में उसकी शादी की बारात बुलाई बारात बुलाने के बाद भामरे पड़ी और भामरे पड़ने के बाद जब वो लड़की ससुराल चली गई अब चिंता जबात की के प्रेमी तो एक तो था नहीं भगवान की दया से तो अब वो सबको तो छोड़ गई लेकिन वो आदत में सुधार नहीं हुआ और लड़की जब घर पहुंच गई ससुराल में जब पहुंची तो गांव की जूरी मिले नारियां अरे मोर दादा कोई बहु देखा ना को आई जी अरे गांव की जूरी मिले नारियां अरे मेरे दादा कोई बहु देखा को आई जी अब देश वो औरत तो बदचलन थी लेकिन जिस लड़का के साथ शादी हुई वो बहुत सदाचारी था सीधा सज्जन था सुबह को अगरबत्ती लगाने से पहले तो पानी भी नहीं पीता था अब ससुराल में जब पहुंची गांव की औरतें आती हैं बहू देखती हैं अब मोह देखे रे बातें करे अरे मेरी गुइया बहू लाला की सिरा मोर जी अरे मोह देखे बातें करे अरे मेरी गुइया ओए बहू लाला सिरा मोर जी अरे बहू देखे बे बातें करे अरे मेरे दादा दैया बहू लाला की सिरा मोर जी अरे बहू देखे बातें कर रही हैं और सोच रही हैं कि लड़की सुंदर तो बहुत है लेकिन विचार अच्छे नहीं थे अब वे बहू जो हती सो बन के ससुराल में तो पहुंच गई लेकिन पुरानी भाई आदत जो हती सो नहीं गई कैसे चली जाए अरे आदत पिछली नहीं गई अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई थी ससुराल जी अरे आदत पिछली शादी हुई के ससुराल तो पहुंच गई लेकिन पुरानी बाई आदत बनाई गई क्योंकि जो चरित्रहीन थी और मेरा मतलब है कि जिसके जैसे विचार हो जाते हैं उसे वैसा ही अच्छा लगता है दोस्तों अब वे ससुराल में तो पहुंच गई लेकिन पति बहुत सज्जन स्वभाव का था सीधा था लेकिन उसने अब प्रेमी तो सब यहां के तो यहीं छूट गए अब ससुराल में जब पहुंची उनने जो सोची अब नई भर्ती करवे पड़े इन सब मेरा मतलब है वहां अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी वो लड़की इस बात में अपनी तारीफ समझती थी अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी और बुरे काम करने में न सोचे हुए बदनामी
के गांव की नारी बह रही थी गारी गारी बाबा। मायके में चलियो संभार के ससुरे में गादी गए हो, मायके में चलियो संभार के ससुरे में गादी गए हो। और धर्मराज जब लोग मांगे तब तुम कहा बताए हो, और कर कर याद है कर मल की फिर आंसू धर कै हरी ससुरे में का दी जाए हो। मायके में चलियो संभार के ससुरे में का दी जाए हो। दोस्तों अब तो जैसे कर्म वो वहां करती थी वैसे ही जाकर के ससुराल में करने शुरू हो गई। अब ससुराल के जितने भी लोग थे दुखी हो गए उसके कर्म देख करके, आदत देख करके, समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। पति ने अगर समझावे की चेष्टा करी तो बस सूद ही आई। मेरा मतलब है कि घर वालों की उसने कोई बात नहीं मानी। जो औरतें बड़ाई कर रही थी वो ही उसके कर्म देख करके गालियां दे रही थी, मगर उसने ये देखा कि मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी आदत से सुधार नहीं करेंगे। बाप ही तारीफ समझती जब आता हम जितन शरीर कल नहीं होती काम है। दोस्तों देख कि बाके चलन को ससुरारी हैरान, समझाओ बहुत मगर बन दीनो न कोई ध्यान। और ससुराल के लोग समझाते रहे लेकिन उसने जब नहीं माना तब ससुराल के लोगों ने अरे न्यारी बो कर दई सभी ने कही बद चलन नारी। घर वालों ने उन्हें अलग कर दो घर से। हाँ न्यारी बो कर दई सभी ने कही बद चलन नारी, और न्यारो घर के दे दौरे के मगन भई वो नारी। घर वालों ने तो जैसे अलग करो कि जब बात मानना ही रही है परिवार की नाक कटवाए रही है। अबे नचन लगी उनने कि बढ़िया रहो जो अलग गया हो घर और मिल गया। हाय पति रहो समझाए सुनो चित लाई के नारी हमारी, क्यों कर रही ऐसे काम हसत नर नारी। पति ने समझाया और ये कहा कि तुम ऐसे काम न करो, गांव के लोग गालियां देते हैं, मेरी बात मानो। पर पति की ये कनाई मानी है करे नारी वो शैतानी है। मानी है वो नारी करे शैतानी है वो। बात एक और थी अब देश मिलवे की मरज पुरानी है। कारण ये था ना मिलवे की मरज पुरानी है और बन रही बड़ी सयानी है। दोस्तों जैसे ही पति समझाता रहा, पति तो बेचारा बहुत सज्जन था सीधा था, अपनी औरत को समझाता रहा कि देखो घर वालों ने तुम्हारे चलन देख करके हमें घर से बाहर कर दिया है, अलग कर दिया है, लेकिन तुम ऐसे काम न करो जिससे समाज में बदनामी हो। लेकिन उसने कोई बात अपने पति की नहीं मानी। और जब पति की बात नहीं मानी तो पति समझाता भी रहा लेकिन दोस्तों पति ने कहा भी कि आज तो कष्ट दिखाई नहीं दे रहा, बदनामी तो तू करवा ही रही है और ठीक है हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। सो बेब घर छोड़ के चले गए और महात्मा हो गए। महात्मा जब हो गए एक मंदिर पर जाए के रहने लगे। बाने कोई चिंता नहीं करी, बनी मरे जाए हमें का मतलब है, हमारे पीछे ना दी सकू मेरे हमें कौन सी परेशानी। पति ने समझाया तो लेकिन अब देश ध्यान रखना उस पति ने कहा उस औरत से कि फिर का करी है तू मनमानी जब जवानी ना रहे। पति ने समझाया और ये कहा कि देख अबे तेरे कसना दिखाई पड़ रहा, लेकिन बोध ने याद कर इंसान की जिंदगी में जो तीन पन होते हैं बालापन वृद्धापन और जवानी,
बालावस्था और वृद्धावस्था कट जाती है, जवानी पन ही बड़ा दुख देता है। इसलिए देख मेरी बात सुन, वो दिन याद कर। अरे एक दिन होई बूढ़ी टुकरिया सिकुड़ जाए सब खा, और कमर झुक के कमान होई हरी पिचक जाए सवाल, तब का चले हरी चाली उतानी जब जवानी ना रहे, फिर का चले है चाली उतानी जब जवानी ना रहे। पति की कोई बात उसने नहीं मानी, और जब पति की बात नहीं मानी तो होए के दुखी बाके कंथने, अरे मेरे दादा एक मंदिर लोहे बनावाई दी, छोड़ दिया। अरे छोड़ी पिछाई नारी की, अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी, छोड़ी पिछाई नारी की, अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी, और नारी बद चलन मिल गई अरे परमेश्वर भैया जीवन भवे बनावाद जी, नारे मिल गई बद चलन अरे मेरे भैया जीवन भयो बेकार जी। इधर तो पति ने समझाने के बाद जब कोई उसकी पेश नहीं गई तब वो महात्मा बनकर के जीने लगा, और औरत ने ये सोचा कि चलो बवाल उठो घरवाई नाई कत्ता ते तेन न्यारो कद्दो हड़े के, और अब जो हमारे पति दे उनने कपड़ा रंग लिया, अब कोई चिंता नहीं। अब जय सीताराम बाबा। दोस्तों लिखा तुलसीदास ने भी लिखा कि सर्व स्वतंत्र न सर पार कोई, सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आप ही मन ही करो तुम सोई, बताया तुलसीदास ने भी रामायण में कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, यानी जब सर के ऊपर कोई नहीं होता है, जब ब्रेक नहीं है, जब कोई लगाम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, फिर तो जो मर्जी हो वो करो, भला कौन क्या कहेगा। अब औरत का आनंद ही आनंद है, घर वाले पहले ही साथ छोड़ गए, पति महात्मा हो गया। उसके बाद दोस्तों, अरे नारी घर में वो मौज करे, अबे पूजा में समय बिताते हैं, बाहरे परमेश्वर क्या था विधि का विधान, क्या थी नजर प्रभु की, कितना अंतर आ गया। अरे नारी घर में मौज करे, वे पूजा में समय बिताते हैं, सबसे है प्रेम उस नारी का, दुई आते हैं दस जाते हैं, ऐसा ही ना है। देखने में तो सुंदर थी ही, और जितने आने जाने वाले थे वे कोई लाड़े साड़ी झंपर कोई जेब रात ले आते हैं, अरे मौज थी, तकलीफ न कोई जीवन में, घर के ना कछु कह पाते हैं, पो
पुरानी रिश्तेदार है जो कभो चली ना आती है वो तो बेहू चल लगी। कैसे पूछो रिश्तेदार आए घर में सब खुले पुराने नाते हैं हाथी के निकले दांत भला वो भीतर कहीं नहीं जाते हैं। याद रखना दोस्तों अब तो आने जाने वालों की लाइन लगी बा। रिश्तेदारी जो बिल्कुल टूट चुकी थी वो रिश्तेदार जितने भी थे वो सब आने जाने लगे हैं। कोई चार दिन रुकता है, कोई दस दिन रुकता है, कोई पंद्रह दिन रुक के जाता है। हाँ मेरा मतलब है कि वहां कोई कमी नहीं रही किसी बात की किसी काम की। अब खर्चा, अरे खर्चा मेरा मतलब है कि इतना वो लोग सब दे जाते हैं जो अरे सब खर्चा हिरे भी आई भी बाहरे और अरे सब खर्चा हिरे भी आई भी मिलने वाले आई भी आई भी ऐसा ही नहीं जीवन सब कटिरा भी आई भी दिन दिन नारी बनी भी आई भी क्या था विधि का विधान। अब तो वे दिन ही दिन जैसी बूढ़ी होती जाती हैं तैसी जवान मालम पड़ती जाती हैं। मेरा मतलब है कि अब सब कुछ बदलने के बाद तो जब वहां उसके जेठ ने एक दिन देखा अपने अपनी औरत से कहा कि ये लड़की बहुत बदचलन है जो हमारे भैया की नाक कटवा रही है क्या करें। एक दिन जेठ ने कही नारी तरी गई बुद्ध क्यों मारी। जेठ ने समझाने की कोशिश की और ये कहा अरे करी रही उल्टे काम रे के हंसे लोग दे तारी। जेठ ने समझा करके ये कहा उल्टा काम नित करे शर्म न करे दुखी परिवारी दुखी परिवारी और तूने सब घर की कर डारी खुआरी तूने सब घर की कर डारी खुआरी। दोस्तों जिस समय उस लड़की के जेठ ने यह कहा कि परिवार के लोग सब दुखी हैं तेरे इस आदत को देख करके तेरे स्वभाव को देख करके इसलिए अब भी मान जा अब भी मान जा मेरे पिता के नाम को क्यों डुबा रही है। इतनी बात जब कही तो बा ने उत्ते खन तो अपन जेठ से कछमा ही कही और जो उनके जब हितैषी आए लला तो अपने प्रेम ना से कही अरे हितकारी मेरे जेठ को देव ना सुधारी दी अपने प्रेम ना से कही अरे मेरे भैया जेठ को देव ना सुधारी दी। अपने प्रेमियों से कहा कि हमारे जेठ ज्यादा बीच में दीवार बन रहे हैं अरे बिना बात के नारिन अरे मेरी भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी अरे बिना बात के नारिन अरे मेरे भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी। अब ना कोई हमसे कह रे अब देश जब परिवार के लोगों को पिटवाया और सोचन लगी अब ना कोई हमसे कहे अरे मेरे भैया तुम सीधी चलो घर नारी दी अरे अब ना कोई हमसे कहे अरे मेरे भैया सीधी चलो घर नारी दी। दोस्तों जब जेठ ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया जिसका परिणाम यह हुआ
कि अपने प्रेमियों से उस जेठ की पिटाई करवाई। अब घर के लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए कि इस बदचलन औरत से कोई पेश नहीं जाएगी, चलो भगवान ही इसका परिणाम इसे जरूर देगा। दोस्तों फिर ऐसा हुआ कि प्रेमी तो मान लो घर में आते ही जाते थे, तो पति की तो कोई चिंता ही नहीं कि पति महात्मा हो गया है, चलो छोड़ो हमें क्या लेना देना। उसके बाद अरे बीतो समय अब शौक में नारी मगन अति मन में, ए बीतो समय अब शौक में के नारी मगन अति मन में, और प्रभु गति परंपर रे दुई बेटा भय आंगन में। उस औरत के गर्भ से दो लड़का पैदा हुए, और जब दो लड़का पैदा हुए धीरे धीरे लड़का बड़े हुए। उसके बाद महाराज भाई है घर में एक सुकुमार, श्यामी बेटी भाई तो घर में गई मम्मी को उतार। प्रभु गति अपरंपार है अब देसु मत मानो तुम झूठी, हर की लीला ये परंपार के भैया मत मानो झूठी। ऐसा हुआ उसके गर्भ से दो लड़का पैदा हुए और एक लड़की पैदा हुई। अब लड़की जब धीरे धीरे कुछ बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तब कहने का मतलब है रदा नहीं है पे ही लगाओ जात हुई। मेरा मतलब है कि वो लड़की माँ अगर 10 रुपया भरे हती तो बेठी का दूनी पहुंची। मेरा मतलब है कि माँ से भी ज्यादा बदचलन वो लड़की हो गई। अब वो लड़की अरे जब बेटी भाई है सियानी, क्या थी हर की लीला, मां से बड़ी की कहानी हुई गई प्रेमी के संग दीवानी। दोस्तों लड़की जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो वो मां से भी बढ़कर के उल्टे कामों में जुट गई। तो मां समझा करके एक दिन बोली, बेटी क्या कर रही है, मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू बदचलन होने जा रही है। अब माँ कहने लगी अरे हाथ पकड़ी माता कहे अरे मेरी बिटिया कोई नी के नाय जे काम दी, अरे हाथ पकड़े माता कहे अरे मेरी बिटिया नी के नाय जे काम दी। और माँ ने समझाए कि अपनी लड़की से कही अरे मत बोलो काऊ पुरुष से अरे मेरी बिटिया भैया हो जाए होगी बदनाम जी, अरे मत बोलो काऊ पुरुष से अरे मेरी बिटिया भैया हो जाए हो बदनाम जी। माने समझाए कि जब कही कि बेटी काऊ पुरुष से बात न करो, समाज के लोग थूकेंगे क्या कहेंगे। तो लड़की मुस्कुरा करके बोली माँ, अरे हंस के बेटी यहाँ कहे अरे मेरी माता हम तुमसे बढ़ के नाई दी, हंस के बेटी यहाँ कहे अरे मेरी माता तुमसे बढ़ के नाई दी। अंगेला का झुकावे लायक ही नहीं रही। जैसे ही लड़की को समझाने की कोशिश करी और जवाब दो, देखो गांव के लोग क्या कहें।
ताकि तुम ऐसे करो किसी से बात मत किया करो, किसी से बोला मत करो। इतनी बात जब लड़की ने सुनी तो लड़की एकदम से बोली, माँ माफ करना, तुम जितने से बोलती तितने से हमा दिया, इनसे उन्हें बात करता, हम तुमसे पढ़ के थोड़े उन्हें। अब माँ के जवान पर कोई बात नहीं आई। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, वो लड़की घर में तंदुरुस्त हो गई। और लड़की की मां जो बदचलन थी शुरुआत से ही, उसके जितने भी प्रेमी थे वो धीरे 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 अलग होने लगे, अलग होने लगे। अरे प्रेमी सब छोड़ न लगे, अरे मेरे भैया कोई बेटी पे सबको है ध्यान दी। अरे प्रेमी सब छोड़ न लगे, अरे मेरे भैया कोई बेटी पे सबको है ध्यान दी। अब उस औरत को तो छोड़ने लगे सब प्रेमी, क्योंकि बात एक और है। बात यहां तक है कि जब तक, खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों, कहे जा रहा हूं गुरुदेव, पहले प्रेमी उनके पीछे घूमा करते थे, अब घर में जब बच्चे पैदा हो गए, लड़की जवान हो गई, तो प्रेमी जो थे जब देखा कि ये तो उम्रधारी है तो उसे तो छोड़ बैठे। लेकिन बात एक और है, लिखा किसी कभी ने, वो स्त्री पछता रही है कि हमारे प्रेमी हमसे दूर दूर क्यों भाग रहे हैं, समझ में नहीं आता। काहे प्रेमी छोड़ रहे ये नारी मन में विचार लगावे। लेकिन मुन्ना लाल गंगा को पंडा गाड़ी के डंडा, गंगा की पर भी जो ना ले पावे, वृद्ध हो तन नूर घटे तब कर मल मल बैस्या पछतावे। वृद्ध हो तन नूर घटे तब कर मल मल बैस्या पछतावे, कहत ब्रजेश ये सांप कर मानो समय गए सब ही पछतावे। अब उस मां के हृदय में ये विचार आ रहे कि ऐसी सब क्यों ऐसी दशा हो गई कि हमारे प्रेमी जो हमारे पीछे पीछे घूमा करते थे, जो हम कहते थे वो ही करते थे, हमारे लिए सब जेवरात बनवा के ले आते थे, लेकिन दिनों दिन हमें क्यों छोड़ते जा रहे हैं। और जतो ना उनने सोच पाई कि नोटिस का चोर हुआ है वो तुम्हारे ऊपर बता सकते हो। मेरा मतलब है कि उस औरत ने कुछ नहीं सोचा। और लड़की मां जो थी समझाती रही अपनी बेटी को, अरे माने बेटी से आंगन में और समझाने की गुइया बात करी। माने बेटी से आंगन में समझाने की जब बात कही, सोई रात समय दौलत लेके प्रेमी के संग में भाज गई। अम्मा ने तो तू अच्छो करो तुझे भज के ना गई थी। लेकिन लड़की सोई रात समय दौलत लेके प्रेमी के संग में भाग गई। लड़की जो थी वो दौलत लेकर के घर से अपने प्रेमी के साथ चली गई। अब मां पछता रही है, सोच रही है कि ये क्या हुआ, हमने उल्टो सूदो जो कुछ करो सब घर में करो, हम भजे के तो रह गए क्यों। लेकिन हमारी लड़की, लेकिन भगवान की लीला कुछ ऐसी थी। क्या न्याय प्रभु तेरे घर का, क्या न्याय प्रभु तेरे घर का, जैसे को वैसा मिला दिया, जैसा किया था नारी ने वैसा ही मां को सिला दिया। चर्चा फैली है नंगर में,
घर घर में होन लगी। तब अपने किए कुकर्मन पर नारी थी वो पछतान लगी। हर की लीला ही कुछ अलग थी दोस्तों। अब वो लड़की जब भाग गई उस घर से, तब उस स्त्री के हृदय में विचार आए कि हमने भी अपनी उम्र में अपनी जिंदगी में कभी धरती पर धरे के हमने खाओ ना है, तो भला अब ये हम कैसे सुधार पाएंगे। उसके बाद ऐसा ही नहीं, लड़की जब भाग गई दो लड़का घर में थे और पति तो महात्मा हो गया बेचारा, औरत जब समझाने से नहीं मानी, वो मंदिर में रहते हैं और वो पूजा घर में करती हैं। मेरा मतलब है उसके बाद फिर लगी गई घर में आग रे नहीं बचो खान को दाना। कहां जाएंगे भगवान से बचकर के, क्योंकि कारण एक और है दोस्तों। भगवान के घर में हर चीज की देरी तो है मगर अंधेरी नहीं है। वो लड़की ससुराल वालों के समझाने से जब नहीं मानी, भाई पिता मां समझाते रहे लेकिन बदचलन पन नहीं छोड़ा। उसके बाद उसकी लड़की जब भाग गई, और लड़की जब भाग गई उसके बाद में फिर लगी गई घर में आग रे नहीं बचो खाने को दाना। हर लीला को वर्णन रे विद्वान ने नहीं जाना। महाराज बदल गए सभी घड़ी और पल, करनी का फल मिले जरूर आज नहीं तो कल। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। यहां तक हुआ श्रोता बंधुओं, जिस समय महल में आग लग गई, न्यारी जो घर से कर दी थी वो औरत, घर बर्बाद हो गया। यहां तक हुआ कि घर में खाने तक को दाना नहीं बचा। अब वो स्त्री बड़ी परेशान और सोचने लगी अब क्या होगा, जो हमारा वीआईपी खर्चा था, आने वाले भी वीआईपी थे, ऐसा ही नहीं सब घर के लोग मेरा सम्मान करते थे, हेतु रिश्तेदारों की लाइन लगी रहती थी, परिवार के लोग मेरे घर को छोड़ के नहीं जाते थे, और आज मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। अरे मन में दुखी भाई रे अति नारी, परमात्मा मैं बदल गई या संसार बदल गया। मन में दुखी भई रे अति नारी, सोच रही है अब नहीं आई रहो है कोई हितकारी। मन में विचार करने लगी, एक दिन वो था कि जितने भी हमारे प्रेमी थे सब मुझे ढूंढते थे, सब मेरे पास आते थे, मैं कभी उनके पास नहीं गई। आज वो दिन है कि अब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि वो हमारे प्रेमी सब कहां रहते हैं। दोस्तों घर में जब कुछ भी नहीं बचा, उसके बाद वो औरत जो थी एक प्रेमी के पास खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों तुम घर भी नहीं आते हो, क्या हुआ तुम्हें,
अरे गई प्रेमी के पास में, अरे हितकारी क्या भूल गए हो मेरो द्वार जी। अरे गई प्रेमी के पास में, अरे हितकारी भूल गए हो मेरो द्वार जी। और बोली का बोली, अरे तुम्हारे पीछे मैंने सब जो अरे बड़े प्यारे मोई छोड़ गए हमारा तारा जी। अरे तुम्हारे पीछे मैंने सब जो अरे बड़े मोई छोड़ गए हमारा तारा जी। बोली हमने तुम्हारे पीछे अपने पति को भी छोड़ दिया, तुम हमारे घर 2400 घंटे बने रहते थे, अब क्यों नहीं आते हो। और बोली अरे सुख में साथी सब होते अरे मेरे प्यारे भैया, दुख में दिखे कोई नहीं जी। अरे सुख में साथी सब होते अरे मेरे प्यारे, कोई दुख में दिखे कोई नहीं जी। सुख में साथी सब बने अरे मेरे प्यारे, कोई दुख में दिखे मोई नाई जी। अरे सुख में साथी सब हरे अरे मेरे प्यारे, कोई दुख में दिखे मोई नाई जी। कहने लगी कि बोधन याद करो, जब तुम मेरे पास रहा करते थे, मेरे पास जाया करते थे, और अब तुम बिल्कुल हमें भूल गए हो। तब मेरे पास सुख था, धन था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, वैसे तो बात सच ये है कि मैं तुम्हें भूले थोड़ी नहीं। अरे वाह ये भी कोई बात, अब बात दूसरी है, कौन सी बात है। तो वो प्रेमी कहने लगा अरे बोलो बचन उच्चार लड़े मेरी नारी अरे घरवारी। जाने के लिए कोई बड़ी बात रहा, अगर हम जाता हुए तो अब घरे और लाठी चिंते हमारी और सत्ता से बात और कोई बड़ी बात रहा। बोले बोले बचन उच्चार लड़े मेरी नारी अरे घरवारी, और तुम्हारे पीछे अपने घर की करी है ना खुआरी। इसलिए ऐसा करो चली जाओ, एक ना है और नहीं तो है हम जैसे वहां चली जाओ। ए जाओ जल्द तुम जाओ ना डेरा लगाओ के बढ़ो अगारी, जइयो तुम्हें उनके पास और हितकारी, जइयो तुम्हें उनके पास और हितकारी। जवाब दो उसे तुम्हें ढंगा आते, अगर हम तुम्हारे ढंगा आए कि जब कोशिश करते हैं और जब घरे तुम्हारी ना बात चलाए दे तो बिना मतलब मैं औरत से लड़ाई और हो जाती, इसलिए जो है हम तुम्हें छोड़ गए। और हम ही ना छोड़ गए, मान लो तुम्हारे पास तो जो धरोहर खूब है भगवान की दया, जाओ किसी दूसरे के पास चले जाओ। अब वे सोचने लगे कि जाई हम सबसे ज्यादा मानते थे, सो जो हमें भूली गो चलो छोड़ो। तो ऐसा ही नहीं दोस्तों, दूसरे तीसरो चौथो पचो जब घर घर नारी मझारी है। प्रेमी बोई थे जो पीछे पीछे घूमा करते, बहुत से तो ऐसे आते जो घर से गेहूं बेच के जेवर बनवा के लाते। अब कोई ना पूछ रहा, समय था और सबके पास जाती है, दूसरों तीसरों चौथों पचों जब घर घर नारी मझारी है, और जेवरात लाने वालों ने नौ भी कतक डारी है। जो जेवरात लाते थे उन्होंने भीख तक नहीं डाली। मन में यत है रैन भाई सोची क्या हरि की माया है, 10-15 साल में सब बदलो। सोच रही 10-15 साल में सब बदला, तूने क्या खेल दिखाया है। और मन में विचार करने लगी 10-15 साल ही भाई, हमें कहां मालूम इतनी जल्दी बुढ़ापा आ जाए।
मेरे कहने से नाच रहे, मेरी सूरत पे हारे थे। अरे जहां दही जिसको देखा और सबके बंद किवारे थे। दोस्तों किसी ने उसे नहीं पूछा और किसी ने कोई बात नहीं कही। परिणाम यह हुआ कि हताश होकर के वो औरत लौट करके अपने घर आ गई और घर आने के बाद सोचने लगी अब क्या होगा, इससे अच्छा तो यह है जो कहीं हमारे बेटा की शादी हो जाती, औरत घर में आ जाती, थोड़ा सा दहेज मिल जाता तो काम चलने लगता। अरे मन में ओए मन ही न गुइया लौट घर को आई, होती तब ही गुजर रे जो लला की होती सगाई। और सोचने लगी लला अगर तुम्हारा ब्याह हो जाए तो उन्हें गुजर होती है, तुम्हारी बहन अति से बहु न जाने कहां चली गई। इतनी बात जब लड़का ने सुनी, महाराज कुमार तब कान लगो ललकार, कौन से अच्छे काम करे तूने कौन होए हवार। सोई लेके डंडा कुमार ने तब वो नार निकारी है, होई डंडा लेके हाथ में घर से मात निकारी है। लड़का कौन लगो तुमने कौन से अच्छे काम करे जो हमारे गौने धरे, धरती धर के कबू जिंदगी में खाओ ना व्यवहार बड़ो अच्छो कमाओ तुमने, अब हमारे ब्याह और बता रही। परिणाम यह हुआ दोस्तों कि उस माँ को उस लड़का ने घर से निकाल दिया, और जब घर से निकाल दिया अब तो प्रेमी हते से पहले ही सब छोड़ गए, लड़की हती से बहु बाज गई। अब लड़का जो था उसने भी घर से निकाल दिया, अब परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मेरा पति ही मुझे साथ दे सकता है और कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, बाद में फिर किन की याद आई, जो अपना था उसी की। वो महात्मा बन गए थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, और वो औरत जो थी वो वहां पहुंची रोती हुई जब लड़का निकाल दिया महात्मा के पास। लेकिन महात्मा के पास जाने के बाद ना हिम्मत उनकी परी, दिल में रह सकुचाए, सब जीवन बोले नहीं अब कैसे सके मनाए। अब दोस्तों थाड़ी तो ही गई लेकिन हिम्मत जनाए परी, सोचन लगी अब इनसे हम कैसे बात करें, सब जिंदगी हमने कब इनसे बात नहीं करी और इन्हें घर से निकाल दिया, इनकी बात नहीं मानी। उसके बाद अपने पति जो उसका महात्मा हो गया था उसके पैरों पर गिर गई और पैर पकड़े नारी कहे मेरे सजना मोए माफ करो जी भरतार जी। अरे पैर पकड़े नारी कहे अरे मेरे सजना ओए माफ करो भरतार जी। अरे सब जीवन मैंने दुख दो यारे मेरे प्यारे ना दो तो परस की थार जी। अरे सब जीवन मैंने करनी को फल मिलेगा ओ यारे मेरे सजना मोए घर से दो हलीकार जी। अरे करनी को फल मिलेगा ओ यारे मेरे सजना मोए घर से दो हलीकार जी। जवाब दिया कि हमें किसी तरीका से माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया सारी जिंदगी घोर अन्याय अधर्म पाप कुकर्म के अलावा अच्छा काम नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें पानी तक नहीं दिया, उन हितकारियों को उन प्रेमी को मैं परस के खीर खिलाती रही, उन्हीं ने आज हमें धोखा दे दिया, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, लड़का ने भी मुझे घर से निकाल दिया, लड़की पहले ही भाग गई। दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे हिलकी भर के कई पिया बनाए हमारो कोई ने। आई हिलकी भर के कहीं पिया बनाए हमारो कोई ने। कदर न तुम्हारी जानी मैंने भारी कुमत कमाई रे। नूर घटो साईया बदे तूने कोई दिखाई रे। अपने के सिवा बुढ़ापे में कटो
नाई मिला ना को नाई वे और मैं जानत थी जीवन भर के सब पे हुक्म चलाऊंगी कोई ना जानत थी बुढ़ापे में कर्म न पे मैं पछताऊंगी दोस्तों याद रखना वो रोती रही चिल्लाती रही और कहती रही पति हमें माफ कर दीजिए किसी तरीका से यहां तक हुआ कि अंत में विजय पति की ही हुई और वो लड़की अब लड़की कहां थी अब तो बुढ़ापा आ गया और फिर जाए कि पति के संग में अपनी अगरबत्ती लगाने लगी कब लगाने लगी जब देव कछ रोए रो तो दोस्तों ध्यान रखना अरे कह कहे दोषे नारी रे भगवान ने दया करी है कहा उस लड़का ने और मोको दुख दे दे रे तू जीते जी मर गई है जवाब दिया जब भगवान ने तुझे सजा दे दी यहां बैठ करके भगवान का भजन करो आखिर में उसी महात्मा की विजय हुई और जब प्रेमियों ने ठुकरा दिया वो वहीं जाकर के रहने लगी तो ध्यान रखना माताओं बहनों लिखा किसी कवि ने तेरी सात जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी चिड़िया सात जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी तेरी सात जन्म दुख पावेगी